शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और व्यवस्था तो इस उर्वशी ने भी कर रखी होगी। वो आज रात जरूर कुछ बड़ा करेगी। वो ऐसा चक्रव्यूह बनाएगी जिससे गौरव कभी बाहर ना निकल सके। याद रखना, तुम्हें इसके काले जादू को अपनी पत्नी प्रता शक्ति से भेदना होगा। याद रखना, ये तुम्हारे अपनों के लिए अपनों से लड़ाई है। जो अर्जुन ने किया वही तुम्हें करना होगा। मैं करूंगी। अपने गौरव को उर्वशी से बचाने के लिए जो भी करना पड़े मैं वो करूंगी। उर्वशी के किए गए इस वशीकरण से हमें हमारे आधे सवालों के जवाब तो मिल ही गए। अब आधे सवालों के जवाब खुद उर्वशी देगी। विजयी भव। और हाँ, उर्वशी जिस आत्मा को इस्तेमाल कर रही है उसे तुम्हें मुक्त करना होगा। और दूसरा, गौरव को उर्वशी से दूर रखना होगा ताकि आज रात उर्वशी के किसी भी काली शक्ति का असर गौरव पर ना हो। चलो, पूजा का समय हो गया है। बोलो छठी मैया की जय। लगता है छठी मैया तुम्हारी पूजा स्वीकार ही नहीं करना चाहती। पूजा के पहले कुछ पाप तो नहीं किया था ना? तुम अपने दिए पर ध्यान दो। मेरा ध्यान पूरी तरह से उसी पर है। अर्घ देने का समय आ गया है। सभी प्रार्थना करें। हे छठी मैया, सबका मंगल हो। मंगल तो सिर्फ मेरा होगा जब काली रात में मेरा काला जादू गौरव और मुझे हमेशा हमेशा के लिए एक कर देगा। ये छठी मैया, ये हमें शक्ति दो ताकि हम गौरव को उर्वशी के पूर्ण वशीकरण में जाने से रोक सके। छठी मैया, हमारी ये पूजा हमारे गौरव के साथ के बिना अधूरी है। मैं भक्ति प्रार्थना स्वीकार करना।
गौरव वहां क्या कर रहे हो तुम? यहां आओ गौरव। अब तुम कितना भी चिल्लाओ उर्वशी, छठी मैया ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब बस किसी तरह से हम गौरव को ये प्रसाद खिला दें। बेटा, सबको प्रसाद दो। क्या हुआ? दर्द हुआ? पर प्रसाद लेने से तो सारे दुख दर्द दूर होते। दर्द क्यों होगा? गरम था प्रसाद, इसलिए हाथ जल गया मेरा। गौरव, थक गए होगे ना तुम, अंदर चलो। गौरव को उर्वशी से दूर रखना होगा ताकि आज रात उर्वशी के किसी भी काली शक्ति का असर गौरव पर ना हो। हम ऐसा क्या करें कि गौरव अपने काम में व्यस्त रहे? मिल गया रास्ता। जय हो छठी मैया। अब आपके दिखाए रास्ते पर ही चलकर हम गौरव को उर्वशी से दूर रख पाएंगे। उर्वशी, यहां आना जल्दी। गौरव, तुम जाओ, मैं मम्मी से बात करके आती हूँ। प्रसाद, प्रसाद चढ़ाने के पैसे ना बचे तो दूसरों से ही लेना पड़ता है। दिवालिया हो गया है चौधरी परिवार, ना पैसे बचे हैं और ना इज्जत। बड़े साहब के बहुत एहसान है हमारे ऊपर, इसलिए उनके खिलाफ एक शब्द भी और मत कहना। अगर इतना बुरा लगता है तो उनकी फैमिली के लिए कुछ करते क्यों नहीं? पूरा का पूरा परिवार बिखर कर पड़ा है, उन्हें फिर से खड़ा करो, फाइनेंशियल पोजिशन सुधार लो, और जब ये सब हो जाए ना तब मुझसे आँख से आँख मिलाकर बात करना। हम सब करेंगे, परिवार का मुकाम भी लौटाएंगे, बड़े साहब के एहसान भी चुकाएंगे, और तब जाकर तुमसे बात करेंगे। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।